नमस्कार दोस्त, YouTube चैनल कुशवासी में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो बिहार बोर्ड 11th में एडमिशन कराना है जिन जिन स्टूडेंटों को, वो फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे उसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को देखें। मैं आपको बताऊंगा हर एक स्टेप बाय स्टेप। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आती है मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक और बात बता दें, इसका लास्ट डेट है 9/7/2018, उसके पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे लाल बटन लिखा हुआ सब्सक्राइब प्लीज उसे दबा दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड, मैं आपको अब ले चलता हूँ इसकी पूरे स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को देखें और जहाँ भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट इसकी और। फ्रेंड अब चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखलाता हूँ वीडियो में क्या प्रोसेस है। आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये आपको मैं ऐसे बताऊंगा जो वहाँ से आपको ये डायरेक्ट पेज खुलेगा, आप वहीं से आप खोल सकते हैं और ये फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्या क्या लग सकता है। आपको पहले इसका आपको अमाउंट है 300 रुपया, ठीक। पेमेंट आपको करना है ऑनलाइन, डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना है, नेट बैंकिंग और पेमेंट के लिए होना चाहिए। और मैं बात करता हूँ मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर और सूचना। और इसमें आपको मोबाइल पर OTP आएगा, उस माध्यम से आपको फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा। और पासपोर्ट साइज आपका फोटो भी होना चाहिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। आपको क्लिक करके आपको ये क्लिक करना होगा, ठीक है, इसको क्लिक कीजिए। सॉरी डाटा ऑफ था। उसके बाद आपको यही पेज खुलेगा डायरेक्ट। खुलने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है बिहार बोर्ड का है जो, इसमें सिलेक्ट कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ जो है आप इसको आपको करेगा किस ईयर में आप पास हुए हैं, 2017-18-19 पिछले ईयर भी स्टूडेंट होंगे उनको लिए है। आपको यहाँ देखिए आपको इनमें से कौन सा चूज करना पड़ेगा। आप वार्षिक हैं कि पूर्ववार्षिक, मतलब आप वार्षिक हर एक ईयर होते हैं हर एक बार, तो आप यहाँ आप चुनिएगा वार्षिक। चलिए अब मैं यहाँ बात करता हूँ, आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ को अपना क्लिक करना है और उसको डेट मंथ और ईयर को चूज करना है। यहाँ आप रोल कोड नंबर डालेंगे जिस भी स्टूडेंट का होगा, रोल कोड नंबर, यहाँ रोल नंबर इनपुट करेंगे जो आपका इस होगा। दूसरा नंबर में ये बात करते हैं, आवेदक का नाम, आप फॉर्म फिलअप करें यहाँ आपका नाम होगा, फादर्स का नाम ये रहा, आप डालेंगे इसमें मदर्स का नाम। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो मैंने बोला था, आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा जो यहाँ अपलोड होगा। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ, यहाँ आपको अधिकतम अंक कितने अंकों का परीक्षा होता है, 500, तो यहाँ 500 का होगा। और यहाँ फिर आपको कितना आया, आपको कितना आया आप इनपुट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जिस स्कूल से पास हुए हैं उसका एड्रेस, यहाँ उसका एड्रेस मतलब सॉरी नाम डालना है उसका। फिर उसका विद्यालय का पता या उसका एड्रेस डालना है। डालने के बाद आपको फिर यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप किस राज्य से, मैं सॉरी किस जिले में आपका स्कूल है, वो आप क्लिक करिएगा। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट, फिर आपने किस साल उसमें नामांकन कराया था स्कूल में उस वक्त, उस उत्तीर्ण कब हुए थे उसका ये प्रोसेस। इसमें भी ये आपको ईयर चुनना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी आपको ईयर चुनना पड़ेगा, जो भी ईयर हो आप जितने भी स्टूडेंट हैं सबको चुनना पड़ेगा। चलिए अब आपको बता दो, मेल और फीमेल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, हिंदू हिंदी और आप नागरिकता भारत के हैं, आप इसमें कैटेगरी अपना चुनना पड़े, हिंदू मुस्लिम जो हुआ
जो सिलेक्ट करेगा आपको यहाँ से फिर ब्लड ग्रुप, आपको ब्लड ग्रुप भी बताना पड़ेगा कि आप किस ब्लड ग्रुप से हैं। स्टेट आपका बिहार हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे आप, जिला राज्य तो आपको पता है, आपको फिर आपका ब्लॉक भरना पड़ेगा, फिर आपको पूरा यहाँ अपना मकान संख्या, सड़क संख्या, आपको यहाँ पता पूरा आपको क्लिक करना पड़ेगा, कितना आप क्या क्या पता में लिखते हैं वो। और यहाँ 6 डिजिट का पिन कोड होता होगा, 6 डिजिट का पिन कोड होता है वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ आपको तो पता ही होगा मोबाइल नंबर आपका मेल जरूर आपके पास होना चाहिए, ये STD कोड हो या ना हो लेकिन मेल और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। आपको ये करने के बाद आप आइएगा, फिर आप किस कैटेगरी से सिलेक्ट करते हैं, जनरल, SC, ST, BC, EBC, WBC, इसमें सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, फिर आएगा आपको ये आप किस मतलब जिले में एडमिशन कराना चाहते हैं। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है दाखिला कराने के लिए, आप किस कहाँ किस जिले में दाखिला कराएंगे उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ वहाँ जिस सेलेक्ट करिएगा, जहाँ इसमें सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉलेज का नाम आ जाएगा, जिस कॉलेज का आप नाम चुनना चाहेंगे आपको सेलेक्ट करिएगा, फिर उसकी अब किस से होगा साइंस आर्ट्स कॉमर्स, आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई करना पड़ेगा यस, फिर पार्ट टू आपको दूसरा विकल्प होगा, फिर ये अपना घोषणा पत्र सुनकर आपको एग्री करना पड़ेगा, ये तो एग्री होगा नहीं इसलिए फॉर्म फिलअप नहीं है। इसके बाद आपको क्या, इसके बाद आपको प्रोसेस है मैं बता देता हूँ, आपको बहुत आसानी होगी भरने में। देखिए आवेदन शुल्क जो 300 रुपया, बस आपको बच के क्या पेमेंट करने का, पेमेंट करने के लिए आपको बस डेबिट कार्ड की जरूरत है, ATM जिससे आप बोलते हैं उससे आप 300 रुपये का शुल्क लेगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको जिस भी परेशानी हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बात मुझसे बता सकते हैं क्या परेशानी है। और ये 300 रुपये क्लिक करने के बाद आपको OTP आएगा, आप एडिट कर लीजिएगा, आप उसके बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, अब जिस कॉलेज में करना चाहते हैं करा सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ जिससे आपको वहाँ से डायरेक्ट ये खुल जाएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब प्लीज़ उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।